हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी वेस्ट डेबिट क्रेडिट कार्ड से की रिंग। हाँ, जो भी हमारे एटीएम कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ये सब जो भी एक्सपायर हो जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते हैं, उसको हम फेंकेंगे नहीं, उससे काम की चीज़ बना लेंगे। ना सुनने में इंटरेस्टिंग, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेरे एक्सपायर एटीएम कार्ड को ले लिया है, जिसका डेट कब का जा चुका था, मैंने रखा हुआ था। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर जैसो का दो लेयर अप्लाई करूंगी, ताकि इसमें जो भी पीछे इसके लिखे हुए हैं वो सब ढक जाए। तो ये मैंने जैसो अप्लाई कर लिया है, मैं इसे सुखा दूँगी। ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, अब मैं इसे फ़ोल्ड कर दूँगी। बड़ी आसानी से फ़ोल्ड भी हो जाता है। मैं इसे फ़ोल्ड इसीलिए कर रही हूँ ताकि छोटा बड़ा कट ना जाए, इसीलिए मैं इसे पहले बीच से फोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। तो ये मैंने कट कर लिया। अब मैं इसके साइड से भी इसको राउंड करके थोड़ा सा काट दूँगी, ताकि चुभे भी नहीं। तो ये हो गया। तो अब हम इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी पेंट कर सकते हैं। मैंने ये बनाया है। पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ करूँगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप देखिएगा, ये बड़ा पसंद आएगा। और किसी को भी आप बताएंगे ना कि आपने एटीएम से की रिंग बनाया है, वो सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। सब आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया है। तो ये अब मेरा बन गया है। तो अब मैं इसे पंचिंग मशीन से इसमें मैं होल कर दूंगी। पंचिंग मशीन आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने इसे होल कर दिया है। अब मैं इसमें मेरा की लगा दूंगी। हो गया। अब मैं इस मिनी कार्ड पेंटिंग पे वार्निश का अप्लाई करूंगी। मैंने वार्निश तो अप्लाई नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसमें नेल शाइनर का यूज़ किया है, क्योंकि ये मिनी पेंटिंग थी, तो हम नेल शाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हो गया, देखिए कितना शाइन मार रहा है ना, ड्राई होने के बाद भी। अब हम बनाएंगे दूसरा की रिंग। तो ये मैं बना रही हूँ दूसरा कार्ड पेंटिंग। तो ये मैंने पहले ड्रॉ कर लिया, फिर वही सेम स्टेप मैंने पहले मार्कर से किया, फिर मैंने इसमें कलर अप्लाई किया। इसी तरह से करके आप अपने घर में बहुत सारे की रिंग बना सकते हैं। ये मेरा सेकंड की रिंग भी बन गया है। मैंने इससे पहले वाले की रिंग में एक साइड खाली पेंट किया था, और इस सेकंड वाले पे मैंने दोनों साइड पे सेम पेंट किया है। आप अपने हिसाब से कैसे भी पेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा दोनों की रिंग कम्प्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।